एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टाइनी फीड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टाइनी फीड्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं लेकर आई हूँ। मॉनसून आ चुका है, ओवरऑल इंडिया में मॉनसून जो है बरसात का मौसम दस्तक दे चुका है। बहुत जगह बहुत ही हैवी रेन हो रही है, तो जहां मौसम बरसात का मौसम बहुत ही अच्छा सुहाना लगता है, वहीं साथ के साथ ये मॉनसून का जो मौसम है बहुत सारी बैक्टीरिया, बहुत सारी बीमारियों को साथ में लेके आता है, बहुत सारी इन्फेक्शंस को साथ में लेके आता है। तो यहाँ पर आप प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको क्या एहतियात रखनी चाहिए, किन बातों का बिल्कुल खास ध्यान रखना चाहिए ताकि आप इस मौसम का लुफ्त उठा सके और आपको कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी, कोई भी वायरल इन्फेक्शन आपको कैच ना कर पाए। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट करिएगा क्योंकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो। उनका जो सीजन होता है वो बहुत ही ज्यादा सुहाना होता है और आई थिंक हम सबका फेवरेट होता है। तो यहाँ पे अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको कुछ बातों का ध्यान बहुत ज्यादा रखने की जरूरत होती है क्योंकि यहाँ पे जो सवाल है आपके होने वाले बच्चे का है। तो यहाँ पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहले जो आपको केयर करनी है फ्रेंड्स, आपको घर में साफ सफाई का ध्यान बहुत ही ज्यादा रखना है क्योंकि मॉनसून के मौसम में क्या होता है, बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से सीलन की प्रॉब्लम हो जाती है और आपको सीलन की महक भी आपके घर में आती होगी। अगर आपके कहीं घर में लीकेज है या सीलन है, आप अपने घर को बहुत ही ज्यादा नीट क्लीन रखें ऐसे में, और जो डिसइंफेक्ट होता है जब भी आप पोछा लगाएं उसमें जरूर वो डाल के रखें। और अगर आप खुद साफ सफाई करती हैं तो मास्क का यूज करें क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब साफ सफाई करते हैं, डस्टिंग करती हैं, तो वो आपके एयर पार्टिकल्स में आके आपके बॉडी में एंटर कर सकते हैं और वहीं आप बीमार हो सकती हैं। अगर आप खुद सफाई कर रही हैं तो आप अच्छे से अपने आप को कवर करें, मास्क लगा के रखें और अच्छे से घर की साफ सफाई रखें और घर को कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा ड्राई रहे। अगर आपके जो बाहर के स्लीपर, घर के स्लीपर को सेपरेट रखने की कोशिश करें और जो बाहर के स्लीपर है उनको बाहर ही रखें, अंदर एंट्री ना करें क्योंकि ऐसा करने से मैक्सिमम चांस होते हैं ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया घर में एंटर करने के। अगर आप इन चीज को सेपरेट रखती है, सेपरेशन रखती है, तो काफी हद तक आप अपने घर को बैक्टीरिया फ्री रख सकती है। वहीं किचन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो फ्रेंड्स किचन को भी साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखें। जो भी क्लीनिंग वाला कपड़ा है उसको टाइमली हर हफ्ते अच्छे से चेंज करते रहें, रोटेशन करते रहें और उसको अच्छे से सुखा के रखें। बहुत अगर जैसे रात भर गीला है या बात आपने किचन में ही गीली चीजें छोड़ के रखी हैं तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। इस टाइम पर जितने भी कीटाणु हैं, जितने भी बैक्टीरिया है, वो बहुत ही जल्दी अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं। तो अपने किचन को भी नीट एंड क्लीन रखें, वहां पर भी आप स्प्रे करके रखें। और जो इम्पोर्टेंट चीज है, खाने का सामान उसको उघड़ा ना छोड़ें और कोशिश करें जितना खाना है उतना ही बनाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, वो है फ्रूट्स और फल्स को लेकर, वेजिटेबल्स को लेकर। जैसे आप मार्केट से अगर वेजिटेबल्स लेके आते हैं तो उसको अच्छे से पानी में वॉश करके ही फ्रिज में स्टोर करें, डायरेक्ट मार्केट से लाके फ्रिज में स्टोर ना करें। ऐसे में आपके फ्रिज में भी बैक्टीरिया और इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ सकते हैं, मतलब आपके बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जो फ्रिज में स्टोर खाना है उसमें भी बैक्टीरिया आ सकते हैं, और तो जो आप इनटेक करेंगे तो आपको भी इन्फेक्शन लगने के चांस रहते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें। जो भी फल सब्जी है उसको अच्छे से वॉश करके, अच्छे से ड्राई करके ही आप फ्रिज में स्टोर करें। और जितना भी आपको फ्रूट्स काटना है, जितना खाना है, बहुत बार क्या होता है कि हमारी हैबिट होती है कि हमने आधा काटा और आधा हमने बाद में खाने के लिए छोड़ दिया, तो बरसात के टाइम पर आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जितना आपको फल खाना है उसको प्रॉपर पूरा काट के पूरा ही एक बार में उसको खाएं, क्योंकि अगर आप बाद के लिए छोड़ देंगे तो उसमें बहुत ही जल्द बैक्टीरिया बहुत ही जल्दी पनपने के चांस रहते हैं मॉनसून के मौसम में। तो इस बात का खास ध्यान रखें, जितना खाना है आपको उतना ही प्रॉपर पूरा एक फल काटें और उसको पूरा एक बार में ही खाएं, उसको बाद के लिए ना छोड़ें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बरसात के मौसम में मक्खी और मच्छर की जो तादाद है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, तो अपने घर में इस चीज तरह का ध्यान रखिए कि जैसे नीम की पत्तियां हैं उनको अच्छे से जला के रखें, तो जिसके वजह से आपके घर में मच्छर नहीं पनपेंगे और मक्खियां नहीं आएंगी। और बरसात के मौसम में मॉस्किटो नेट का यूज करें और घर में कॉइल जरूर जला के रखें ताकि जो भी डार्क एरिया वाला एरिया है वहां पे मच्छर नहीं आएंगे और आप बैक्टीरिया फ्री रहें, क्योंकि यहाँ पर मलेरिया, मॉस्किटो बाइट से बहुत सारी बीमारियां लगने के चांस रहते हैं और आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो आपको बहुत ही जल्दी कैच करने के चांस रहते हैं। और बरसात के मौसम में वायरल फीवर होने के चांस रहते हैं, यानी वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगने के चांस रहते हैं, तो कोशिश करें घर से बाहर कम आप निकले। अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है
तो अपने पैरों को इस तरह से कवर करके रखें कि वो उघड़े ना रहे, ऐसे शूज जो होते हैं ना कवर शूज पहन के जाए ताकि बाहर का पानी मिट्टी आपके पैरों में कम से कम लगे और आपको बैक्टीरिया इन्फेक्शन लगने के चांस बहुत कम रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, यहाँ पे स्किन प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि ह्यूमिडिटी मौसम में बहुत ज्यादा रहती है, तो आप ऐसे कपड़ों का चुनाव करें जो आपकी बॉडी को इरिटेट ना करें, सूती और बहुत ही मतलब कंफर्ट वाले कपड़े पहने और गीले कपड़ों को पहनने से बचें, कपड़ों को अच्छे से ड्राई करके ही पहने। अगर आप गीले कपड़े पहनते तो आपको स्किन प्रॉब्लम होने की प्रॉब्लम है, फंगल इन्फेक्शन आपकी स्किन में हो सकता है, इन बातों का ध्यान रखें। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपने पानी पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि इन्फेक्शन जो है पानी से बहुत जल्दी लग जाता है, तो पानी को उबाल के पिए, कोशिश करें डायरेक्ट नल से पानी ना पिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपको बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन कैच करने की सिचुएशन हो सकती है। और अगर आपको पेट संबंधी कोई भी प्रॉब्लम होती है बरसात के टाइम में, जैसे बहुत सारी महिलाओं को उल्टी की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे आपने बाहर का चटपटा खाना खा लिया, स्ट्रीट फूड खाने से बचे स्पेशली, तो आपको पेट से संबंधी कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको हो जाती है तो उसको कवर करने में बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स। सारी महिलाओं को बरसात के मौसम में फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो गई तो उसको कंट्रोल होने में, उसको पेट को अपने टाइम पे आने में बहुत टाइम लगेगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका बच्चा उस चीज़ को सफ़र करेगा, आप अच्छे से डाइट नहीं ले पाएंगे, आपके बॉडी में पानी की कमी हो सकती है, बच्चे को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें बाहर के खाने से बचे और ऐसा खाना से बचे जो आपको लेट डाइजेस्ट करे, हल्का लाइट खाना लीजिए, बहुत ज़्यादा गरीस या तला भुना खाने से बचे ऐसे मौसम में, क्योंकि यहाँ पर डाइजेशन भी बहुत स्लो हो जाता है और आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है या डायरिया की प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत टाइम लग जाता है, लंबा टाइम लग जाता है उस चीज़ को अब पेट को ठीक होने में, तो इस बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स। तो इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो प्रेगनेंसी है और ये मौसम है कोई भी आप पे बैड इफेक्ट नहीं डालेगा और आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथ चलेगी, बच्चे पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप मॉनसून को बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर सकती हैं। तो आई होप आपको वीडियो फ्रेंड्स अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।